तुम्हारी बेटी ने आज तुम्हारा हौसला तोड़ा है, अब अद्दी तेरा यकीन भी तोड़ा है। हमारा शक सही था, उन्हें हार्ट अटैक आया है। अगर दारजी को ठीक करना है तो जितना दूर उनसे रह सकती है माही रह। जिस लड़की की वजह से परिवार वालों का मुंह काला होता है वो लड़की मुंह खोलने लायक नहीं रहती है माही। ये सब तेरी वजह से हुआ है, पैदा होते मर क्यों नहीं गई तू? आज नहीं छोड़ूंगी तेरा, उठ उठ उठ। आज से मैं तेरी मां नहीं और तू मेरी औलाद नहीं। हे माता रानी, मैंने कुछ गलत नहीं किया, फिर भी ऐसी सजा मुझे भुगतनी पड़ रही है। मेरे कारण मेरा पूरा परिवार इस हालत में है और मेरे दादू की तो जान पर बनाई है। प्लीज प्लीज उनकी रक्षा करो। माई की कोई गलती नहीं है जी। और माता रानी, जोगी ने तो सिर्फ दोस्ती का फर्ज निभाया है, उस बेचारे ने तो हर मुसीबत हर परेशानी में मेरा साथ दिया। पता नहीं क्यों उसे भी ये सजा मिल रही है। प्लीज माता रानी, उसको इस मुसीबत से इस संकट से बाहर निकालो, उसने उसने कुछ नहीं किया है। माही ने कुछ गलत नहीं किया, माही बेकसूर है। अर्जुन, अर्जुन तुम माही की सजा खुद को क्यों दे रहे हो? अर्जुन, तू यह क्या करने आई है? अर्जुन राय की बेइज्जती पे हंसने आई है? नहीं अर्जुन, मैं यहां एक दोस्त की तरह आई हूं, पूरे वक्त में तुम्हारा साथ निभाने आई हूं। अर्जुन, अगर तुम मेरी बात मान लेते तो ये बेइज्जती नहीं सहनी पड़ती ना। हर इंसान जो शरीफ लगता है जरूरी नहीं कि वो शरीफ हो। मेरी बात सुनो अर्जुन, अर्जुन शादी कर लो, शादी कर लो। साले बुड्ढे ने दिमाग खा लिया था और ऐसी जगह फंसाया कि कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। अर्जुन राय को छोड़ के उस तबेले वाले के सर, छी, disgusting। मुझे लगा कि उस गरीब परिवार के साथ रिश्ता जोड़ के मैं समाज सुधार रहा हूं।
पर सारा समाज सुधरना ही नहीं चाहता, गंदा ही रहना चाहता है, गंदा ही रहना चाहता है, गंदा ही रहना चाहता है, गंदा ही रहना चाहता है। अर्जुन, it's okay. अर्जुन, मैं सुधरना चाहती हूँ अर्जुन, मैं तुम्हारी बनना चाहती हूँ, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ अर्जुन, और जिंदगी के हर मोड़ पर मैं तुम्हारे साथ खड़ी रहना चाहती हूँ। तुम्हारा और माही का रिश्ता भगवान ने तोड़ा है, क्योंकि हमारा रिश्ता बहुत ज्यादा गहरा है। भगवान के इस इशारे को समझो अर्जुन, प्लीज समझो, आई लव यू वेरी मच। सुबह सुबह तुझे ऐसा फोटो भेज रहा हूं कि तेरे कलेजे में ठंडक पड़ जाएगी। भाव वाह, आप ना किसी टीवी वैम से कम नहीं हो। क्या मीठी मीठी कहानी चल रही थी और क्या धमाकेदार ट्विस्ट लेके आए हो आप। जब पप्पू का तड़का लगता है तो ऐसा ही होता है बहना, बनते हुए रिश्ते बिगड़ जाते हैं और बिगड़ते हुए बन जाते हैं। पर सच बताऊं, माही इतना रो रही थी कि अब तो मुझे भी बुरा लग रहा है। हाय, ये जालिम जमाना, तो प्यार करने वालों के साथ ना ऐसी ट्रेजेडी क्यों ही करता है। अपने दिल को संभाल ले रहना, अभी तो इनके साथ और भी ट्रेजेडी होनी बाकी है। आय हाय, क्या लड़की की बेइज्जती करने के जुर्म में जोगी जाएगा जेल। ओह नो, और मोहल्ले वाले रूपा विष्णु को मोहल्ले से कर देंगे दफा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और उनकी सारी जमीन मिलेगी मुझे। नहीं 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 नहीं, भगवान इतना अन्याय नहीं कर सकते। अब बची माही, तो माही के पास टिल्लू से शादी करने के अलावा नहीं बचेगा कोई ऑप्शन। जोक सा बात पीपी, सीरियसली एक तीर से दो शिकार सुना था, पर पीपी आप ना पूरे अलग हो। तीर अनेक, शिकार भी अनेक। बस एक शिकार बचा है, अर्जुन राय। उसके साथ भी ऐसा ही होना चाहिए, उसके पास भी तुझसे शादी करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचना चाहिए। डोंट वरी अबाउट दैट पीपी। ओके बाय। End.
जोगी जोगी अरे पंकज आगे यार तू यार महीने कुछ गलत नहीं किया मैं झूठ बोल रहे हैं यार ये लोग यार क्या हल कर दिया तेरा इन लोगों ने अब तो फिक्र मत कर तेरा भाई आ गया है ना तुझे ऐसे लेकर ही जाएगा सर ये क्या है ऐसे कौन हैंडल करता है किसी को और इसने ऐसा कौन सा जुर्म कर दिया ये रहे जमानत के कागजात छोड़ दो इसे तो वकील साहब इस केस में ना जमानत नहीं होगी कल मैं कोर्ट में पैसे दूंगा और ये जो जमानत है ना रद्द होगी चल शाबाश ये ले जय माता दी जय माता दी बीजी ये मुंडा भी ना कब से फोन ट्राई कर रही हूँ फोन ही नहीं लग रहा इतना लापरवाह है ना सच्ची रख दिया होगा फोन इधर उधर थप्पड़ मारने का मन कर रहा है मेरा मारने का इतना ही मन कर रहा है ना तो घर जाके मार लिए दर्शन कर ले अभी चल बीजी जोगी ठीक तो होगा ना पता नहीं बहुत चिंता हो रही है मुझे रूपा जतन इतनी चिंता हो रही है ना तो यह बात अपनी सासू के सामने नहीं चिंतपूर्णी माता रानी के सामने बोल जो सबकी चिंता हर लेती है मारी चिंता भी हरेगी रानी के दरबार पे ना ऐसे घरौंदा बनाने का रिवाज होता है लोग अपने नए घर की आस में ऐसे घरौंदा बनाते हैं और मैं अपना बना बनाया घर बचाए रखने की आस में ये घरौंदा बना रही हूं हे माता रानी मेरे पुत्र से मेरा घर है उसकी रक्षा कर लड़की की जिंदगी खराब की है इसने इस पे तो धारा 67 और 354 लगेगी वैसे इंस्पेक्टर साहब किस सबूत के बिहाफ पे अभी ये सब बड़ी बड़ी धाराएं लगा रहे हैं अरे वकील साहब जिस फोन से वीडियो वायरल हुई है ना जोगी का है और क्या सबूत चाहिए आपने जिस मोबाइल से वीडियो वायरल हुआ है वो जोगी का है ये ठीक बात है लेकिन वो फोन कल रात को चोरी हो गया था जब फोन चोरी हुआ था तो जोगी ने FIR की थी ये FIR की कॉपी है हो गया सर ये और सवाल बाकी है आपके नहीं मैं इसलिए पूछ रहा था अब ज्यादा वक्त मत लगाइए वरना जोगी के इस हाल में एक वीडियो रिकॉर्ड कर लूंगा और उस वीडियो को भी वायरल होने में वक्त नहीं लगेगा ओए छोड़ दो उसे माही ने कुछ गलत नहीं किया यार जोगी झूठ बोल रहे हैं जोगी जोगी उठ जा चल पंकज चल उठ आराम से चल खड़े हो जाओ चल शाबाश खड़े हो माही ने कुछ गलत नहीं किया यार आराम से यार तेरा क्या हाल कर दिया इन लोगों ने ऐसे कोई मारता है क्या किसी को
माही का क्या हाल है? उसने कुछ गलत नहीं किया यार। तू देख वो कैसी है, कहाँ है? यार कमाल करता है जोगी। इस हालत में तुझे माही की पड़ी है? पंकज तू माही को फोन लगा, पता कर वो कहाँ है कैसी है। तू पहले घर चल, मैं फोन करता हूँ। तुम आराम से आराम से आराम से। माही, जोगी को बेल मिल गई है, पंकज का फोन आया था। पंकज उसे घर लेकर जा रहे हैं। प्रिया वो ठीक है ना? प्रिया वो ठीक है ना? नहीं माही, जानवरों की तरह मारा उसे पुलिस वालों ने। ये सब मेरी वजह से हुआ है। काश मैंने उसकी फिक्र ना की होती, काश मैं उसके घर ना गई होती, काश मैं उसको मिली ना होती। माही ना क्यों रो रही है, पंकज है ना उसके साथ। डॉक्टर साहब आ गए। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब कैसे हैं बाबूजी अब? जी गुड न्यूज है आप लोगों के लिए, अब वो खतरे से बाहर हैं, उन्हें होश आ गया है। जय माता दी। जय माता दी। माता रानी। अरे माता रानी, दरवाजे तक ले आई थी, साथ में ले भी जाती, पीछे क्यों छोड़ गई? हे माता रानी, माँ तू अपरंपार है माँ, लाख लाख शुक्रिया तेरा माँ मेरे परिवार को बचाने के लिए। इतनी मेहनत करने के बाद हार्ट अटैक करवाया माँ, पूरा ही हार्ट फेल क्यों नहीं करवा दिया आपने? अधूरे में क्यों छोड़ दिया? वॉट? दारजी को बचाने के लिए माता रानी को थैंक यू बोल रहा था, वरना तूने तो कोई कसर छोड़ी नहीं थी। क्यों माता रानी, आपने दादू को ठीक कर दिया, बस अब जल्दी से मेरे और जोगी के बीच फैली गलतफहमी को भी खत्म कर दीजिए प्लीज। आराम से बैठ जा। ये ले, हाथ रख तकिए पर। जिसने भी माही पे लांछन लगाने की जरूरत की है ना, छोड़ूंगा नहीं उसे। फिर चाहे वो नरक में भी जाके छुपा होगा ना, तो खिंच के लाऊंगा और माही जी के सामने खड़ा करूंगा उसे। आराम से बैठ। देख जोगिया, सब करेंगे, फिलहाल तू आराम कर। हर चीज करने का ना एक सही समय होता है। किसी ने तो बहुत गहरी चाल चली है, माही को फंसाने की कोशिश की है, उसे बदनाम करने की कोशिश की है। छट्टूंगा नहीं मैं। लगता है मुझे भी ऐसी कुछ रहा है। तू बैठ, मैं दवाई ले आता हूं तेरे लिए। माही, क्या ये सब जोगी? हम दोनों इस हालत में जोगी, कुछ तो गलत हुआ है जोगी। वो मैं ही हूं, गई थी मैं जोगी के घर, जैसे दिख रहा है ना वो सच नहीं है। अभी कोई फंसा है मम्मी। अब सब टूट गया, मेरा भरोसा भी और ये रिश्ता भी। मुझे तो लगा था कि दोस्त है, और मुझे क्या पता कि ऐसी दोस्ती है जो पार्क में मनाई जाती है। और अगर ज्यादा ही दोस्ती चढ़ गई ना तो होटल के कमरों में। माता रानी है,
कोई सुराग तो दे, कोई इशारा कर, कोई सिरा पकड़ा कि कौन हो सकता है। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा, तू ही बता की करा। ओए लक्ष्मी, ओए सरस्वती दुर्गा, ओए क्यों शोर मचा रहे हो? मैं ठीक हूँ यार, और अब वापस भी आ गया हूँ, हैं? घबराओ ना। और तुम क्यों परेशान हो रहे हो, हैं? बोल। किस बात की इतनी बेचैनी है? तो किस बात की परेशानी है? बोलोगे कुछ? गड़बड़ है क्या? कहीं तुम वो इशारा तो नहीं कर रहे जो मैं माता रानी से मांग रहा हूं? हैं? बोलो। ओए नंदू, ओए, ओए ये क्या तेरे कान में? ये लॉकेट किसका है? क्या हो सकता है? वो कहीं उसका तो नहीं जो उस रात को आया हो, जिसने वो धुआं, वो वीडियो और वो ओ लक्ष्मी, ओ सरस्वती, ओ दुर्गा, ओ देख, ओए 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 लॉकेट किसका है? हाँ? बता मेरे को, ओए बोलना, हाँ? ओ पहचानो, ओ कोई आया था उस रात को? देख 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 मेरा पोते, हाँ? कोई आया था ही उसका है? हाँ समझ गया मैं। मिल गया इशारा। बस माही, बहुत रो लिया तूने, अब तेरे जोगी को रास्ता मिल गया है तुझे निर्दोष साबित करने का। हर उससे एक उंगली तोड़ दूंगा जिसने तुझ पे उंगली उठाने की जरूरत भी की थी।